अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये फैन आर्ट मैंने पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आई, तो मैंने सोचा उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दें। तो फैन आर्ट ज़्यादा इजी होती है रेगुलर मॉडलिंग से, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक एंगल से उस मॉडल को एक अच्छा दिखाना होता है, अपने ओवरऑल से मतलब परफेक्ट एनिमेशन के लिए नहीं बनाना होता। ठीक है, इस नोट करें, इसकी बस आइज एनिमेटेड है, इसकी लेग्स एनिमेटेबल नहीं थी। मतलब मैंने जब बनाया था तो मैंने इसे एनिमेशन लाइक नहीं बनाया था उसकी लेग्स को। तो इसी तरह से मैं बस ये सिंपल सी एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले ए से सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है, एक्स डिलीट सब कुछ कर लें, फिर शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर लें, फिर आर वाई 90 करें, ठीक, और फिर इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर दें, अप्लाई वैसा भी नहीं करना, और फिर इसके ऊपर करें एक मिरर मॉडिफायर अप्लाई करें, और टैब दबा के एडिट मोड में चल जाएं, जेड वाई फ्रेम करें, और जो फेस सेलेक्ट मोड है उसमें चले जाएं, 7 से टॉप व्यू पर चले जाएं, और बी से बॉक्स सब डिसलेक्ट करें, फिर बी से बॉक्स सेलेक्ट करके जो टॉप वाला हिस्सा इसका, ठीक, ये एक्स फेसेस डिलीट कर दें, और फिर बी से बॉक्स सेलेक्ट करें ये वाला हिस्सा, एक्स एक्स बाकी फेसेस डिलीट कर दें, और फिर साइड वाले से दो सर बड़े रह गए हैं, इन्हें भी हम लोग शिफ्ट बाकी डिलीट शिफ्ट और एक्स डिलीट कर देते हैं फेसेस इनके। ठीक हो गया, अब सॉलिड मोड में चले जाते हैं हम लोग, और जो मिरर मॉडिफायर वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर होगा, ठीक है, और इसके ऊपर अब कंट्रोल ए दबाएं, क्योंकि हमने जो उसकी रोटेशन थी वो अप्लाई नहीं की थी, तो ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है, अभी प्रॉपर्टी के साथ रोटेट हो गया, और मिरर मॉडिफायर अभी नीचे है सॉलिडिफायर मॉडिफायर के ऊपर, तो ये बटन दबाएंगे, ठीक है, तो मिरर मॉडिफायर ऊपर चल जाएगा, अभी देखें उसकी फॉर्म सारा ठीक हो गया, और उसे शेड स्मूथ भी कर दें, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर अब हम लोग फिर से अब हम लोग फिर से जाट बाकर एडवर्ड में चल जाते हैं, ठीक हो गया, और फिर इसके ऊपर हम लोग दो मटेरियल्स लाएंगे, ठीक, इसे मैं कह इसे मैं बी के नाम से रखता हूँ ब्लैक के लिए, फिर प्लस बात हूँ न्यू मटेरियल, और उसे मैं कहता हूँ डब्ल्यू फॉर वाइट, ठीक हो गया, ब्लैक वाले को भी फुल ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक, इनकी सेटिंग्स बिल्कुल सिंपल सी होंगी, कोई इतना डिफरेंट नहीं है, 0.1 इसकी जो है मेटेलिकनेस का रफनेस 0 का, स्पेकुलर और शीन टिन वगैरह बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। वाइट का भी इस रहेगा, प्योर वाइट कर दें उसका कलर, ठीक, और उसकी मेटालिकनेस 0.1 कर दे उसी तरह, और रफनेस उसकी भी 0 का दे, बाकी सारा कुछ उस सेम रहेगा इसमें भी, ठीक हो गया, और फिर फाइनली हम लोग अब मटेरियल प्रीव्यू वाली व्यू में चले जाते हैं, ठीक है, और जेड वायर फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, बी से बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, और ये जो इसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसका, ठीक है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर है वो साइन कर देते हैं, ठीक, और फिर बल्कि डिसलेक्ट करें सिर्फ जो बकाया सर रहता है ये वाला, ठीक, और उसके ऊपर फिर वाइट कर लें, ठीक हो गया, और अब फिर हम लोग रेंडर व्यू में जाके क्विकली से देखते हैं, तो ये देखिएगा इस तरह से बन गया। तो अभी लाइटिंग नहीं है इस वजह से सही नहीं लग रहा, तो ब्लूम को टर्न ऑन कर लें, और स्क्रीन से रिफ्लेक्शंस ऑन कर लें, और फिर रिफ्रैक्शन भी ऑन कर लें, ठीक हो गया, और वन से फिर फ्रंट ले जाएँ, और जी जेड से ऊपर ले जाएँ इतना तकरीबन, और फिर शिफ्ट एम मैश प्लेन ले आते हैं उसकी ज़मीन के तौर पर, और फिर उसे एस एट कर लें, ठीक, और उसे जो है न्यू मटेरियल दे दें, और वो बेसिकली आपने फुल ऑन वाइट कर लें, ठीक, लेकिन उसकी मेटालिकनेस जो है उसकी रफनेस 0 कर दें, और मेटालिक उसकी 100% कर दें, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल हाइड्रेट रिफ्लेक्टिव बन जाए, देखिए वो रिफ्लेक्टिव भी कर रहा है इसे, ठीक हो गया, और जो है लाइट्स जो है मैंने इसके लिए एरिया लाइट इस्तेमाल की थी, लाइट एरिया, ठीक है, जी जेड से ऊपर ले जाते हैं वैसे, स्ट्रेंथ इसकी 1000, ठीक हो गया, और इसे रोटेट कर लेते हैं हम लोग वाई के ऊपर 90 डिग्रीज के ऊपर, वाई के ऊपर कर लेते हैं, और जी से सही उस साइड के ऊपर रखते हैं, ठीक है, 7 से टॉप, और इसे फिर शिफ्ट जी एक्स मूव से करें डुप्लीकेट करके, ठीक है, और इसे इस बार -90 कर दें, ठीक हो गया, तो दोनों साइड से अब उसे लाइटिंग मिल रही है, तो और फिर शिफ्ट बाकी दोनों लाइट्स को सिलेक्ट कर लें, 7 से टॉप व्यू पे चले जाएं, ठीक हो गया, और शिफ्ट डी और आर रोटेट करके उसे फ्रंट एंड बैक करें, चारों तरफ से उसे लाइट आगे पड़ रही हो, ठीक, इस तरह से शाइन काफ़ी अच्छी आएगी, अब ये काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरह से, तो बेशक आप इसकी जो है रफनेस बेशक इंक्रीज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, मैं थोड़ी सी इंक्रीज अभी कर देता हूँ, कर देता हूँ, तो या इसका कलर जो है बेस कलर जो है वो भी आप ब्लैक कर सकते हैं, तो उसकी वो जो है स्पेक्युलरिटी थोड़ा सा डिफरेंट शो करेगी, आपकी अपनी मर्जी, आपने करना क्या है, ये है कि ब्लैक तो नहीं, ऐसा नहीं, मेरा आई थिंक डार्क ब्लू जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह से वो ज़्यादा प्यारा इफेक्ट दे रहा है, तो
अब वन वन को सिलेक्ट करें, सॉलिड मोड में चल जाएं, फिर शिफ्ट ए करें, मैश सर्कल उसे स्केल करके छोटा सा काट लें, ठीक है, टैब दबाकर एडिट मोड मिल जाए, और फिर एफ दबा कर उसे फिल कर दें, और जी जेड से ऊपर लें, आर एक्स 90 करें, ठीक, और इस तरह से ये रोटेट हो गया। फिर थ्री से साइड व्यू पे चले जाते हैं, जी से मूव करें सर फ्रंट के ऊपर, और वन से चले जाएँ, और ये हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ा लग रहा है, तो सर स्केल करके छोटा कर लेता हूँ, से ये मूव करके फिर से फ्रंट के ऊपर मैं ले आता हूँ, और जी जेड से ले आए इस तरह से, ठीक, और इसे एक मटेरियल देते हैं और सिंपल इमिशन दे देते हैं, ठीक है। आपको की फ्रेम्स उम्मीद है आप इस्तेमाल करने आते होंगे, तो अभी के लिए मैं बस उसकी स्ट्रेंथ 5 रख लेता हूँ, और ये वाइट ही होगी इस तरह से, ठीक है। टैब दबा कर इसे ना हम लोग शेप की सभी से दे देते हैं, ठीक है, प्लस वन ये बेसिक शेप की क्रिएट होगी, ठीक हो गया। तो हम लोग जब अब वन तो एक और शेप की क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये बेसिक्स की जो शेप होगी जो वन है वो उसके साथ रिलेटिव होती होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू के ऊपर ले जाएँ ट्रा कर लें, ठीक है, जो दूसरी शेप की है, और उसका नाम मैं रखूँगा ब्लिंक। टैब दबाकर एडिट में चल जाएँ और एच सेलेक्ट मोड में चल जाएँ, और उसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर लें, सब क्लोज चल जाते हैं, नीचे वाला ये वाला जो एज है ये सेलेक्ट करें, और जी, और अपने माउस का जो है व्हील को स्क्रॉल करके आप शाही ऊपर कार्ड्स के लेके जा सकते हैं, तो इस तरह से इसकी जो है डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं इस वैल्यू को जब चेंज करूँगा 0 1 के ऊपर ही देखें, तो उस तरह से डिफॉर्म हो रहा है, ठीक हो गया। इसी को शिफ्ट टी जी जेड नीचे ले जाएं, ठीक है, तो उस तरह से इसकी दो जो आइज हैं वो हमने सिंपली क्रिएट कर लिया, और ये देखें मसला ये है कि ये उसके आगे लटक रही होंगी इस तरह से, तो इसे शिफ्ट दबाएं, फिर इसे शिफ्ट दबाएं, और फिर इसे शिफ्ट दबा के एंड में जो सर्कल में सेलेक्ट करें, सबसे एंड में सर्कल को जो यूवी स्फीयर है उसे सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर क्लिक करें कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से अब ये इसके साथ प्रिंट हो गई है, ठीक। फिर इसके बाद जो आई है फिर से उसे सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना श्रिंक रैप मॉडिफायर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग ये यूवी स्फीयर सेलेक्ट करेंगे, तो जो ऑफसेट है इसका तकरीबन 0.05 तक रख लेते हैं, या नहीं 0.01 ही आई थिंक काफ़ी है, और इस दूसरे के साथ भी हम लोग ट्राई करते हैं श्रिंक रैप मॉडिफायर जो है वो अप्लाई करके सर्कल को टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऑफसेट 0.01 रख देते हैं, एक मिनट मटेरियल प्रीव्यू में देख लेते हैं, तो हाँ ये देखिएगा, ये अब देखो दोनों आईज सामने आ रही हैं, ठीक हो गया। तो जो आईज की एनिमेशन है आप लोग की फ्रेम से करेंगे, इसका मटेरियल सेलेक्ट करें, ठीक है, शेडर एडिटर में चल जाएं, और ये जो टाइम लाइन है इसे ऊपर ले आएँ, मिशन शेडर को शिफ्ट से डुप्लीकेट कर लें, कलर ब्लू ले आएँ इस एक कलर का अगर आपको करना चाहते हैं तो, और एक जो है मिक्स शेडर ले आएँ, दोनों को मिक्सचर के साथ लॉगिन कर लें, और फिर कलर रैम के साथ लगा दें, ठीक है, और जो कलर है उसके साथ सेलेक्ट कर दें इस तरह से, ठीक है। जब आप उसे मूव करेंगे और की फ्रेम से यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस तरह से इसकी जो है वो चेंज होगी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3D व्यू पर चल जाते हैं, मटेरियल प्रीव्यू के ऊपर मैं चल जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो आपको अभी फ्रेम वन के ऊपर, ठीक है, जो इसकी पोजिशन है ब्लैक वाले को सिलेक्ट करते हैं, और फिर इसके ऊपर रख के आई दबाएं, ठीक है, और फिर जो दूसरा वाला स्लाइडर है जो ये है इसे सेलेक्ट करें, और फिर उसके ऊपर पोजिशन के ऊपर आई दबाएं, ठीक हो गया। फिर फ्रेम 20 के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, ठीक, 21 चले इसके 20 चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो स्लाइडर की पोजिशन चेंज कर लें ताकि ब्लू हो जाए, और इस वाली स्लाइडर की पोजिशन उस वहीं पर है, तो दोनों के स्लाइडर्स के ऊपर क्लिक करके आई दबा दें, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, जब मैं टाइम लिंक मूव करता हूँ तो ये देखें वो ब्लू हो जाती है उसकी आइज, उस तरह से जो है उसकी जो ये शेप की उनको भी हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, तो जो वैल्यू है इसे देखते हैं चेंज होता होता है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। फ्रेम वन के ऊपर हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी ही है, ठीक है, तो वैल्यू के ऊपर आई क्लिक करें, ठीक है, तो ये देखें की फ्रेम क्रिएट हो गया। फिर हम लोग फ्रेम 20 के ऊपर चल जाते हैं, ठीक, और वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं, और फिर आई क्लिक करें तो ये देखिएगा, अब उस तरह से अब जब मैं टाइम को स्क्रॉल करता हूँ देखें उसकी आइज कलर चेंज करती है, उसको बताती है दूसरी को भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपल फैन आर्ट थी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर आपको कम मेहनत करनी पड़ा करेगी, तो यह है कि एनिमेटेबल एसेट्स नहीं होते, ये आप याद रखिएगा। अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं फैन एनिमेशन वगैरह, तो फिर आपको हाँ एनिमेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो अब स्फीयर को सिलेक्ट करें, हम लोग उसकी टांगे बताएंगे, ठीक है, जी सेलेक्ट आपको करें, फिर सेलेक्ट मोड में चल जाएँ, क्योंकि मैंने सिर्फ जैसे जो है
प्लेन को हाइड कर देते हैं अभी के लिए, इसलिए इसके चारों साइड पे किया था, मिरर मॉडिफाई डबल साइड पे लगाया था ताकि ये जो है ना हम लोग एक को करेंगे तो उससे उसके बदले में सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लूट टूल्स इनेबल करने पड़ेंगे, चाहे एडिट प्रेफरेंसेस, ये फ्री आइटम ब्लेंडर के प्रोफाइल से बिल्ट इन होता है। यहाँ पे आप लूप लिखेंगे तो ये देखें लूप टूल आ जाता है, इसे इस तरह टिक करके इनेबल करना है, ठीक है। तब ये ऑप्शंस आप आ जाएंगी, तो ये जो चार हैं मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये लूप टूल्स देखिए ऑप्शन आ रही है, तो मैं क्लिक करता हूँ सर्कल को, इस तरह से ये सर्कुलर हो गया, ठीक। और फिर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, जी से थोड़ा सा मूव कर, ओ से प्रोपोर्शनल राइटिंग ऑफ करें और जी से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, फिर ई से और फिर से थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, और फिर ई से नीचे ले लेता हूँ उसे इस तरह से, अभी देखने में लग नहीं रहा, और फिर एस से इसे स्केल कर लेते हैं, ठीक। तो अब इस तरह से देखें थोड़ा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक लगना शुरू हो गया, तो ऑर्गेनिक का लोग चाहे फीलिंग ना आए क्योंकि रोबोट है। तो कंट्रोल आर क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ उस पर कर इसे कोड लूप कट ऐड करके इस तरह करें, तो ये देखें वहाँ पे वापस चला गया, फिर कंट्रोल आर कर कर रखते हैं, और जी बच्चे क्योंकि कार्टून ही सारा 2D स्टाइल में, तो उसमें यह होता है कि ऑर्गेनिक फीलिंग आ भी रही होती है, लेकिन वो बार 2D स्टाइल होता है तो उसमें डिफरेंट लगता है, 3D में हम लोग इस तरह करना थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो इस तरह से लूप कट थोड़ी जगह पर ऐड कर लें, ठीक, तो इस तरह से डेफिनेशन काफ़ी देखें सही हो गई है। तो अब मैं मटेरियल प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें अब इसकी जो लेग्स हैं यहाँ से ना, बाद में मतलब मिरर मॉडिफायर अप्लाई करके ना इनको यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाई देता हूँ, हम लोग मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सब जो सर्विस मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं, टैब वगैरह एडवर्ड में चल जाते हैं, ठीक है, सी से मटेरियल्स वाली साइड में चल जाते हैं, हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे वाइट आ जाए तो सी सेलेक्ट करें, ठीक है, और ये देखें इस तरह से आपको ये आप सारा जो इस तरह सेलेक्ट करके, ठीक है, जो जो आप चाह रहे हैं वाइट हो जाए उसे सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है, और साइन करें, देखो व्हाइट हो जाएगा। मैं इतनी डिटेल में नहीं कर रहा, बाकी तो आप खुद से कर लेंगे। तो उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।